दोस्तों देखिए भाभी जी, देखिए इतना ही गोभी था, ये देखिए, और ये गोभी सारा खा रहे हैं। सब्जी क्या बनेंगे बताइए। देखिए भाभी जी का गोभी, कच्चा गोभी खा रहे हैं भैया, खराबी करेगा कि नहीं करेगा? कच्चा गोभी खा रहे हैं, देखिए कच्चा गोभी खा रहे हैं, खराबी करेगा कि नहीं करेगा भैया? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे। ये थोड़ा मीठा लगता है ना खाने, जैसे खीरा की तरह, इसलिए खा लेते हैं। शुरू में वीडियो नहीं डाली हूँ क्योंकि आप बहुत टेंशन में रहते हैं, बच्चे लेकर इतना परेशान करते हैं, कुछ होना, बार बार छत पे चढ़ते हैं, 4 मंजिल 5 मंजिल है। तो देखिए आज कोई बच्चा के साथ गए थे ना, इनका सर में कितना तेज चोट लगा है, फूटा तो है नहीं, ये फूल गया, इधर भी सूजन जैसे हो गया है। देखिए ये ब्रेन फट जाता तो क्या होता, आज कुछ बोलते ही नहीं है। ये दिमाग बच्चा का है ना, थोड़ा दिमाग कमजोर है, इसीलिए इतना मारता जाती हूँ छत पर, फिर भी भाग के चले जाता है। बच्चा है तो खेलने तो जाएगा, लेकिन इसको हिसाब नहीं है, कहीं से कहीं दौड़ता है तो चोट तो लगेगा ही। अब नहीं जाना छत पर, अब परेशान भी बहुत होगी, हम कहीं गाँव भी जाना पड़ेगा। बच्चे लोग यहाँ ही ना ठीक है, क्योंकि इतने ऊपर है छत, अगर नीचे गिर गया तो क्या हालात होगा बच्चे को, इसीलिए अब क्या करें, यहाँ रहना सही नहीं है। ठंड भी बहुत लग रहे हैं, ठंड के वजह से कितने धक्का हो गए हमारे बच्चे। ये छोटी वाली देख रहे हैं ना, आप थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, देखिए ना कितना गल गया मेरा बच्चा, तो आँख में पूरा सूजन सूजन जैसे हो गया था ठंड के मारे। डॉक्टर बोला हमेशा पानी से परहेज रखियो और अच्छा से अपना बच्चों को गर्म कपड़ा में ढक के रखे। तो हमें तभी कपड़ा का दिक्कत है, इसीलिए गांव जाने ही पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। मेरे पति का भी तो नौकरी नहीं मिला, आज हम किसका सब्जी बना रही है? डंडल नहीं है ये, तो आप लोग फेंक देते होंगे, और इसका सब्जी हम बनाते हैं, आप लोग तो फेंक देते होंगे। ये बहुत टेस्टी आते हैं, आप भी कभी बना के खाइएगा। इसको छील देते हैं अच्छा से, तो ये गोभी से भी टेस्टी इसमें रहते हैं। हम तो जब भी लाते हैं तो सब छील के दे देते हैं, क्या करें, अमीर लोग ना फेंकता, हम तो गरीब है तो भाई फेंकता भी नहीं, और टेस्टी भी ज़्यादा रहता है। अगर टेस्टी ना रहता तो शायद हम भी फेंक देते हैं, टेस्टी इसमें छुपा है इसलिए हम बनाते हैं। एक बार तो ये सिर्फ डंडल डंडल लाए थे, गोभी नहीं लाए थे, इतने सुंदर बनते हैं, खुश हो ये पूरा छील देने के बाद इतना सुंदर बनते हैं। देखिए एकदम लगेगा जैसे ये मूली जैसे। दोस्तों ये हो गया मूली की तरह, अब हम इसको दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ये हम काटते हैं कितने अच्छे से, ये लग रहा है बिल्कुल मूली की तरह, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आप लोग भी बना कर खाइएगा। तो ये कट गया दोस्तों, देखिए ये फूल भी था, ये दोनों मिक्स में, मतलब ये डंडल का भी है और ये गोभी का फूल भी है, दोनों मिक्स करके बनाएंगे। ये दोस्तों इसमें थोड़ा आलू, देखिए दोस्तों तब इसमें हम 3 आलू भी डाल दें हैं, ताकि और गोभी आलू का सब्जी तो स्वादिष्ट बनता ही है, तो हमने भी 3 आलू छील लिए और दे देते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सब्जी, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों हमने 3 आलू छील लिए हैं, गोभी आलू का सब्जी बनेंगे तो अच्छा लगेंगे। हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए, अब बनाते हैं, अब देखते हैं कैसे बनते हैं, तो आप लोग जरूर। दोस्तों मेरा खाना बन गया है, सब्जी देखिए कितना सुंदर है, वाह, आलू गोभी का और गोभी का डंडल का सब्जी, देखिए कितना मस्त बना है। देखिए दोस्तों अब रेडी हो गया, आइए आप लोग भी खाइए। देखिए दोस्तों बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, ये देखिए ये बेटा तेरे लिए, और इसमें हम दोनों, और आप लोग भी खाइए दोस्तों, देखिए टेस्ट करके जो कैसा सब्जी है, नहीं तो आप लोग भी बना के देखिएगा। गोभी आलू का सब्जी कहते थे गोभी का डंडल, बहुत मस्त लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। रोटी बनाई है, देखिए क्या पानी लोगे, बहुत सुंदर है। ओ मतलब इसको हिंदी बोलना नहीं आता, बोलता मम्मी नीक बना है, मतलब अच्छा बना है, तो बोलते हैं कितना बहुत टेस्टी है। आप भी दिया पापा देखिए खा के, बच्चों बोल रहे बहुत अच्छे सब्जी बने हैं, आप भी खाइए। हाँ ठीक है दोस्तों, तो हम भी खा रहे हैं अब खाना सब गोटा,
ये देखिए गोभी का डंठल का सब्जी बनाए हैं भाभी जी अपने हाथ से, बहुत मस्त बनाए भैया लोग। देखिए अब हम भी जा रहे हैं खाने के लिए, और आप लोग भी आइए खाइए कैसा सब्जी बनाया है, देखिएगा आप लोग भी खा के। और डंठल का सब्जी आप लोग भी बनाइएगा अपना रूम में, क्योंकि अच्छा बनता है, उसमें स्वाद अच्छा रहता है भैया, बनाइएगा तो अच्छा लगता है खाने में। फूल में जितना स्वाद नहीं उतना डंठल में होता है स्वाद। देखिए खा के कैसा है, देखिए ये देखिए भैया आपने हाथ से भाभी जी खिलाया हमें, आज आज मैंने इतने दिन बाद जी प्यार किया मुझे भाभी जी। देखिए ये डंडल है, डंडल के लिए देखो कितनी चीज पक गए हैं भाई गए। अच्छा देखिए दोस्त बहुत अच्छा बहुत मस्त बनाया सब्जी एकदम डंडल से, इतना मस्त है भैया खाने स्वादिष्ट बहुत है एकदम। देखिए आप लोग भी खाओ खाओ, अब हम तो खा लिए, आप लोग आप भी थोड़ा एक और खा लो तो भैया ये देखिए खा लिए बहुत अच्छा बनाया सब्जी। देखिए मेरा बेटी बनाए ना मिल बांट के खाते प्यार से तो अच्छा लगता है, सही बात है। तो आप लोग भी खाइए, तो ठीक है दोस्तों अब हम लोग खा रहे हैं और आप लोग भी खाइए और खा के आप लोग भी आराम कर, गुड नाइट।